इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोर्सिंग क्या होता है, जो कि एक सिक्योरिंग अरेंजमेंट होता है। सोर्सिंग इज यूज टू रिड्यूस द हीलिंग मोमेंट इन ए फील्ड एंड ट्रिम्ड कंपार्टमेंट इन द वे ऑफ हैच ओपनिंग। सो सोर्सिंग का यूज़ क्यों करते हैं? सोर्सिंग का यूज़ हम लोग जो हीलिंग मोमेंट होता है उसको रिड्यूस करने कहते हैं किसी भी एक फील्ड और ट्रिम्ड कंपार्टमेंट्स में इन द वे ऑफ हैच ओपनिंग। ये टॉप के लेवल पे होता है जहाँ पे पूरा कंपार्टमेंट जो है वो फील्ड है। सेकेंड बोलता है कि द डेप्थ मेजर्ड ऑफ द सॉसर मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सॉसर टू द अंडर साइड ऑफ द डेक लाइन। बोलता है कि जो डेप्थ होता है सॉसर का वो कैसे मेजर किया जाता है, तो जो बॉटम होता है सॉसर का वहाँ से लेकर के टू द डेक लाइन, और वो डेप्थ कितनी होनी चाहिए? अगर सी विद मोल्डेड ब्रेड अप टू 9.1 मीटर सॉसर विल नॉट बी लेस देन 1.2 मीटर। सो अगर कोई जहाज है जिसका मोल्डेड ब्रेड अप टू 9.1 मीटर है तो सॉसर का जो डेप्थ है वो 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अगर सी जिसका मोल्डेड ब्रेड 18.3 मीटर और मोर है या उससे ज़्यादा है तो उनके सॉसर का जो डेप्थ होता है वो 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो भी शिप्स जिनके मोल्डेड ब्रेड जो है लाई करते हैं बिटवीन 9.1 to 18.3 उसका जो डेप्थ होता है सॉसर का वो मेजर्ड होता है इंटरपोलेशन से। नेक्स्ट इज हाउ द सॉसरिंग सेल बी फॉलोज। सो सॉसरिंग सेल बी एज फॉलोज। फर्स्ट क्या होता है, जो टॉप होता है सॉसर का जितनी माउथ ऑफ द सॉसर इज फॉर्म बाय द अंडर डेक स्ट्रक्चर इन द वे ऑफ हैच वे दैट इज हैच कॉमिंग एंड साइड गटर। सेकेंड, द सॉसर एंड द हैचवे अबव इज फील्ड कंप्लीटली विथ बैग्ड ग्रेन और अदर सुटेबल कार्गो। थर्ड पॉइंट, बैग्ड ग्रेन और अदर सुटेबल कार्गो आर लेड डाउन ऑन टू द सेपरेशन क्लोट्स एंड स्टोर्ड टाइटली अगेंस्ट द एडजेसेंट स्ट्रक्चर एंड हैच बीम।